आज भी इंडिया के कई घरों के आंगन में वो पुराना स्कूटर खड़ा है जिससे हमारी कई सारी यादें जुड़ी हैं। वो पुराना स्कूटर जिस पर खड़े होकर बचपन में पापा के साथ मेला घूमने जाते थे। वो पुराना स्कूटर जिसे आपने कई बार देखा होगा स्कूल जाते हुए, कोई अंकल उसे टेढ़ा करके स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते थे। मैं बात कर रहा हूं स्कूटर किंग राहुल बजाज जी की, जो हाल ही में ये दुनिया छोड़कर चले गए, और आज का लर्निंग सीरीज का ये वीडियो उन्हें ही ट्रिब्यूट है। मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आज बात करेंगे भारत के द स्कूटर किंग राहुल बजाज जी की, जिन्होंने इंडिया को पहला स्कूटर दिया बजाज चेतक, और ये चेतक नाम महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक पर रखा गया था। 1980 आते आते बजाज कंपनी स्कूटर बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। राहुल बजाज जी जिन्होंने मिडिल क्लास को स्कूटर दिया, हौसला दिया जीवन में एक नया लक्ष्य हासिल करने का, जिन्होंने खुद भी हौसले से बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए और उनकी निडरता ने उन्हें हमेशा बहादुर बनाए रखा। आइए बात करते हैं उन पांच बातों की जो हम सीख सकते हैं राहुल बजाज जी से। 50 में कम 49 साल तक बजाज ऑटो के चेयरमैन रहे राहुल बजाज जी, जिन्होंने बजाज ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनके बारे में बात करें उससे पहले जो उनसे सीखने वाली पहली बड़ी बात है वो है देश हमेशा सबसे आगे होना चाहिए। कंट्री शुड ऑलवेज बी फर्स्ट। राहुल बजाज जी के फैमिली बैकग्राउंड की बात करता हूं। उनके दादाजी जमनालाल बजाज साहब 1915 में महात्मा गांधी जी के कॉन्टैक्ट में आए, संपर्क में आए, उनसे बड़े प्रभावित हुए और उनके साथ ही रहने लगे, आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे। यहां तक कि जमनालाल बजाज साहब को महात्मा गांधी का पांचवा बेटा भी कहा जाता था। स्वतंत्रता संग्राम में बजाज फैमिली का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था उस वक्त राहुल बजाज जी की जो मां थी सावित्री बजाज जी, वो भी जेल में गई थी। राहुल बहुत छोटे थे और जब उनकी मां जेल से बाहर आई, वापस आई घर पर, तो बच्चा इतना छोटा था कि उसने अपनी मां से पूछ लिया कि क्या आप ही मेरी मां हैं। मां रोने लग गई क्योंकि वो लंबे समय तक जेल में रही थी, बच्चा बहुत छोटा था, वो मां का चेहरा भूल गया था। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा योगदान बजाज फैमिली का रहा है स्वतंत्रता संग्राम में। बजाज ग्रुप ने हमेशा देश को सबसे आगे रखा है। अगर मैं बजाज ग्रुप की बात करूं, 1926 में इसकी शुरुआत जमनालाल बजाज साहब ने की थी, चीनी मिल चलाते थे। राहुल बजाज ने 1964 में, जब वो 26 साल के थे 26 नवंबर को, तो उन्होंने बजाज कंपनी को ज्वाइन किया था और सबसे पहले कमर्शियल डिपार्टमेंट का उन्होंने चार्ज संभाला था। अपनी मेहनत से, अपने यूनिक आइडियाज से, हार्डवर्क से, टैलेंट से उन्होंने बजाज कंपनी को 72 मिलियन से 46.16 बिलियन की कंपनी बना दिया था। तो देश को सबसे आगे रखिए, ये बात तो सीखने को मिलती है, लेकिन जो इनके यूनिक आइडियाज रहे, जो इनका टैलेंट रहा, ये भी काफी कुछ सिखाता है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरी लर्निंग की तरफ। बॉक्सिंग के शौकीन थे राहुल बजाज साहब। वो कहते थे कि मेरे बिजनेस करियर में जो चैलेंजेस आए हैं उन्हें पार करने की ताकत, हिम्मत मुझे बॉक्सिंग से मिली। दूसरी लर्निंग है, जो मुश्किल हालातों को पार कर देते हैं वही एग्जाम्पल सेट करते हैं, वही एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। राहुल बजाज 1964 में बजाज ऑटो में आ चुके थे, 1968 होते होते वो CEO बन चुके थे। चैलेंजेस उनके सामने क्या थे? चुनौती थी अपनी कंपनी को बड़ी कंपनी बनाना, और चुनौती में एक और चुनौती थी कि उस वक्त लाइसेंस राज था। आजादी के बाद से भारत में लाइसेंस राज चल रहा था। सरकार प्रोडक्शन कंट्रोल किया करती थी, सरकार बताया करती थी कि फलाना कंपनी इस हद तक प्रोडक्शन कर सकती है। अब प्रोडक्शन लिमिटेड था, डिमांड बढ़ रही थी, सप्लाई कैसे हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। 1972 में बजाज ऑटो ने चेतक स्कूटर लॉन्च किया, जिसका नाम भारत के महान योद्धा महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक पर रखा गया था। जैसे ही चेतक स्कूटर लॉन्च हुआ, लोगों को बड़ा पसंद आने लगा, लोग बुकिंग कराने के लिए पहुंचने लगे, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 6-6 साल की वेटिंग मिलती थी। पर्ची पर लिखा जाता था 6 साल बाद आपको गाड़ी दी जाएगी। इस मुश्किल हालात में भी राहुल बजाज अपने यूनिक आइडियाज, अपने हार्ड वर्क, अपने टैलेंट की वजह से बजाज कंपनी को, बजाज ऑटो को देश की सबसे बड़ी कंपनीज में शामिल करवाने में कामयाब रहे। 1965 में बजाज ग्रुप का टर्नओवर 3 करोड़ रुपए था। 2008 आते आते एक आंकड़ा बताता है वो टर्नओवर करीब 10,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। ये सब कुछ संभव हो पाया राहुल बजाज के हार्ड वर्क
और यूनिक आइडियाज की वजह से। राहुल बजाज साहब ने जैसे मार्केट की नीड और प्रेजेंट ट्रेंड को समझ करके अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज को तैयार किया, वैसे ही आप भी अपनी स्ट्रेटजी बदल सकते हैं। जो मार्केट का नया ट्रेंड है क्रिप्टो, से अडॉप्ट करके आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। और जब क्रिप्टो में ट्रेड करने की बात आती है तो आपकी मदद कर सकता है कॉइन स्विच कुबेर, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, जिसके साथ 1.5 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स का भरोसा है। कमाल की बात यह है कि आप कॉइन स्विच कुबेर पर सिर्फ 100 रुपए से अपनी क्रिप्टो जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं कॉइन स्विच कुबेर, तो आपको इंस्टेंटली 100 रुपए के बिटकॉइन मिलने वाले हैं। अगर आप अपने दोस्तों को रेफर करते हैं तो हर सक्सेसफुल रेफरल पर आपको 100 रुपए के बिटकॉइन और मिल सकते हैं। कॉइन स्विच कुबेर पर आपको 85 से ज्यादा क्रिप्टो लिस्टेड मिलेंगी। बट डू योर ओन रिसर्च बिफोर ट्रेडिंग इन क्रिप्टोकरेंसी, जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर फॉर यू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड कीजिए कॉइन स्विच कुबेर डिस्क्रिप्शन लिंक से और स्टार्ट कीजिए कमाना क्रिप्टो से। सीखने वाली तीसरी बात है, अपनी बात रखने से पीछे मत रहिए, बेबाकी से अपनी बात रखिए, खुलकर अपनी बात रखिए। राहुल बजाज साहब के बारे में ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी, सबसे बड़ा गुण था कि वो बात रखने में निडरता रखते थे, कोई डरते नहीं थे किसी से। 1947 से 1991 तक का जो समय था, जैसा मैंने बताया लाइसेंस राज था, लाइसेंस राज खत्म हुआ 1991 में, लिबरलाइजेशन की तरफ भारत बढ़ा, विदेशी कंपनीज का आना शुरू हुआ। जो बाहर की कंपनीज आ रही थी वो ज़्यादा, उनके पास में फाइनेंस हुआ करता था, ज़्यादा बजट था, ज़्यादा पैसा था, ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी थी। राहुल बजाज ने कहा कि मुझे लिबरलाइजेशन से दिक्कत नहीं है, कंपनीज आ रही हैं, कॉम्पिटिशन क्रिएट हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन छोटे जो प्लेयर्स हैं, जो छोटी कंपनीज हैं, उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। उस वक्त भी उन्होंने सरकार की आलोचना की थी, और 2019 का एक वीडियो जो बड़ा वायरल हुआ उसमें उन्होंने प्रेजेंट गवर्नमेंट की भी आलोचना की थी। और जब वो बात रख रहे थे तो मंच पर केंद्रीय मंत्री, हमारे गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, ये बैठे हुए थे, उनके सामने उन्होंने अपनी बात रखी, बेबाकी से अपनी बात रखी। सरकारों की आलोचना तो की ही, कई बार वो फैमिली से नाराज होते थे तो वो बात भी सबके सामने रख देते थे। 2009 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे बेटे राजीव ने सारा फोकस स्कूटर से हटा करके मोटरसाइकिल के प्रोडक्शन पर लगा दिया, मुझे बहुत दुख हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। सीखने वाली चौथी सबसे बड़ी बात बजाज कंपनी से, राहुल बजाज जी से, ये है ब्रांडिंग स्किल्स आनी चाहिए। अपने आप को ब्रांड की तरह कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे अपने आप को एक बड़ा ब्रांड बनाएं, ये आप सीख सकते हैं बजाज ग्रुप से। राहुल बजाज जी ने, जैसा मैंने बताया कि बेबाक थे, बात रख देते थे, शर्माते नहीं थे, डरते नहीं थे, क्लास टीचर से एक बार कह दिया था कि यू जस्ट कांट बीट अ बजाज। और ये जो लाइन थी ये आगे चल करके बजाज ग्रुप ने अपने एडवर्टीजमेंट्स में इस्तेमाल की, यू जस्ट कांट बीट बजाज, आप बजाज को बस हरा नहीं सकते। एक और जो विज्ञापन था जो बड़ा पॉपुलर हुआ, बड़ा वायरल हुआ, वो था हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। और ये जो एडवर्टीजमेंट था ये उस वक्त के बड़े विज्ञापन निर्माता, रंगमंच की दुनिया के मशहूर शख्सियत अलक पद्मसी के दिमाग की उपज था, उन्होंने ये तैयार किया था। हमारा बजाज विज्ञापन वैसे ही पॉपुलर हुआ जैसे कि उस वक्त दूरदर्शन पर रामायण देखा करते थे, महाभारत देखा करते थे, वैसे ही ये जो एडवर्टीजमेंट था उस वक्त की पहचान बन चुका था। उस वक्त वैसे कुछ और कंपनीज भी थीं जो स्कूटर बनाया करती थी, लेकिन जो क्वालिटी बजाज के स्कूटर में थी, जो बजाज चेतक था, वैसी क्वालिटी किसी में नहीं थी। और इसीलिए बजाज चेतक को खरीदने के लिए लोग सालों साल इंतजार करते रहते थे, और एक बार अगर बजाज स्कूटर आ जाए तो मोहल्ले में, कॉलोनी में स्टेटस सिंबल हो जाता था कि भैया फलाने के घर पर बजाज चेतक है। और सीखने वाली आखिरी बात है कि आप जमाने के हिसाब से चलना शुरू कीजिए, मार्केट सेंस होना बहुत जरूरी है। जब राहुल बजाज जी ने चेतक स्कूटर लॉन्च किया था उस वक्त जमाने की डिमांड कुछ और थी, एम्बिशंस कुछ और थे, जरूरतें कुछ और थीं। उस वक्त जैसा मैंने बताया कि बजाज चेतक उस वक्त स्टेटस सिंबल माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे जमाना स्पीड पकड़ता गया, रफ्तार पकड़ता गया, वैसे वैसे बजाज ग्रुप ने भी अपने आप को मॉडिफाई किया, चेंज किया, कस्टमाइज किया। बजाज पल्सर भी राहुल बजाज जी ने ही लॉन्च की थी 2000 में, और ये बजाज ऑटो का, उनकी इमेज का पूरा मेक ओवर था। ये वो जमाना था जब मोटरसाइकिल्स इंडिया में बढ़ती चली जा रही थी, और बजाज ने भी मार्केट सेंस को समझते हुए, मार्केट को सेंस करते हुए फटाफट से अपनी स्पीड को, अपने तरीके को, स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया था। तो लाइफ में कभी अगर आपको लगे कि रुकावट आ गई है, स्पीड ब्रेकर आ गया है, तो एक बार मुड़ के देखिए कि कहीं आपकी स्ट्रैटेजीज गलत तो नहीं है, कहीं आप उसी पुरानी सोच पर तो नहीं चल रहे हैं, जमाना कहीं और, आप कहीं और तो नहीं जा रहे हैं, जमाने के साथ चलना शुरू कीजिए। ये है आखिरी लर्निंग राहुल बजाज जी से। जाते जाते वो 5 बातें रिपीट कर रहा हूं। पहली, देश को सबसे आगे रखिए। दूसरी, मुश्किलें पार करने वाले ही एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। तीसरी, अपनी बात रखने से कभी पीछे मत हटिए। चौथी, अपने आप को ब्रांड बनाइए,
पांचवी मार्केट सेंस बहुत जरूरी है, मार्केट को समझिए, उसके साथ आगे बढ़िए। एक बार फिर से राहुल बजाज जी के चरणों में शत शत नमन। आपने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के मिडिल क्लास को सपने देखने की हिम्मत दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों अभी के अभी डाउनलोड कीजिएगा कॉइन स्विच कुबेर, डिस्क्रिप्शन लिंक से, और पाइए 100 रुपीज के बिटकॉइंस।